हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली ये बहुत ही आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, पर इसका यूज़ आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका यूज़ एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे आप विंडोज़ में डिस्क को ऑपरेट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल कॉपी करते हैं, फाइल पेस्ट करते हैं, फाइल डिलीट करते हैं, आप फाइल को स्कैन करते हैं, फाइल को मूव करते हैं, फाइल को एक साथ में डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ में फाइल को ऑपरेट किया जाता है, वैसे ही डॉस के थ्रू आप अपने हार्ड डिस्क में या फिर आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या फिर रिमूवेबल डिस्क में या फिर आपके पेन ड्राइव में चिप में कुछ भी वर्क को परफॉर्म करना है, फाइल को डिलीट करना है, ओपन करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, या फिर फाइल को बिना ओपन किए फॉर्मेट करना है, फाइल करप्ट हो गया है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, फाइल अगर डिलीट हो गया तो उसको डिलीट कैसे अनडिलीट कैसे किया जाए, या फिर फाइल आपका हाइड है तो उसको अनहाइड कैसे किया जाए, फाइल को कोई डिलीट ना कर पाए उसके लिए आपको रीड ओनली कैसे बनाया जाए, फाइल को या फाइल है जो डिलीट नहीं हो रहा है तो उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क आप किसी भी हार्ड डिस्क में या फिर किसी भी स्टोरेज यूनिट में आप ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं डॉस। तो एक्चुअली डॉस में होता है क्या है कि देखिए, डॉस जो होता है वो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये CUI फीचर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI फीचर का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कि इसमें जो भी वर्क किया जाता है वो एक कैरेक्टर के थ्रू किया जाता है। जैसे कि हम लोग विंडोज़ में वर्क करते हैं तो विंडोज़ में हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ में जब हम वर्क करते हैं तो फाइल को ओपन करना है तो हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं तो फाइल ओपन हो जाता है। फाइल ओपन जो होता है वो हमको एक विंडोज़ में दिखता है कि फाइल ओपन हो गया, ठीक है। फाइल हम डिलीट करते हैं तो वहाँ पर दिखाता है फाइल इज डिलीटिंग, या फिर फाइल को रीनेम किए तो आप वहाँ पर कर्सर आता है आपको, मतलब कि जो हम भी हम काम करते हैं वो आपको ग्राफिकल रूप से दिखता है विंडोज़ में। जबकि ये फिर ये सारा काम डॉस में भी किया जाता है पर ये ग्राफिकल रूप से दिखता नहीं है, बस आपको कोडिंग के थ्रू करना पड़ता है। जैसे कि फाइल ओपन किए तो राइट क्लिक ओपन किए तो यहाँ पे फाइल ओपन करने के लिए आप CD करते हैं चेंज डायरेक्टरी। जैसे कि फोल्डर वहाँ पे बोला जाता है तो यहाँ पे फोल्डर को बोला जाता है डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे कि विंडोज़ में फाइल बोला जाता है तो डॉस में आपको उसको फाइल बोला जाता है। फाइल वहाँ भी है, फाइल यहाँ भी है, पर वहाँ पे वो डायरेक्टरी है और यहाँ पे विंडोज़ में आपको उसको आपको फोल्डर बोला जाता है, बस यही डिफरेंस है। अब देखिए कोडिंग कैसे करते हैं। देखिए पहले आप दिखाते हैं कि विंडोज़ का इंटरफेस कैसा होता है और डॉस का इंटरफेस कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विंडोज़। जैसे आप ये देख रहे हैं विंडो, ये मेरा विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम खुला हुआ है, इसलिए आप मेरा माई कंप्यूटर खुला हुआ है विंडोज़ का। तो इसमें जो हम लोग कर रहे हैं काम, तो हम क्या किए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम सी ड्राइव को ओपन कर लिए। तो आपको पता होगा कि हम जो भी ड्राइव ओपन करते हैं वो हमको ये एड्रेस बार में दिखता है डिलीट कि देखिए कौन सा, ऐसे देखिए दिखा रहा है कि दिस पीसी के अंदर विंडोज़ 10 नाम का ड्राइव है और उसका नाम क्या है सी ड्राइव। तो ये सी ड्राइव जो हम इसमें क्लिक करते हैं तो एक्चुअल ड्राइव का नाम उसको दिखाता है। देखिए ये जो है सी ड्राइव है डॉट डबल, ये जो आपको सी के बाद जो स्लैश दिख रहा है उसका मतलब है कि सी ड्राइव के अंदर आप घुसे हुए हैं, ठीक है। अगर हम डी ड्राइव के अंदर जाते हैं तो जैसे हम यहाँ पर गए हैं डी ड्राइव ओपन कर दिए, तो डी ड्राइव के अंदर जब ओपन किए तो यहाँ पे दिखाने लगा कि डी ड्राइव के अंदर चले गए, तो यहाँ से बैक किए तो इस तरह हमको दिखाता है। जैसे हम यहाँ पे गए एफ ड्राइव में, तो एफ ड्राइव में गए तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि हम चले गए एफ ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो ड्राइव का आइकन दिखाता शो करता है। तो सेम टू सेम डॉस में भी यूज़ किया जाता है इसी के थ्रू, इस एड्रेस के थ्रू डॉस में भी करते हैं। तो देखिए हम डॉस का इंटरफेस दिखाते हैं। डॉस का इंटरफेस खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट में जाके CMD लिखना पड़ता है। CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट, ये डॉस का इंटरफेस है। देखिए डॉस एक्चुअली बताया था मैंने कि ये CUI फीचर है, इसमें सारा काम कैरेक्टर के थ्रू किया जाता है, इसमें कुछ भी ग्राफिकल नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी ग्राफिक्स को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे सारा काम होगा पर एक टेक्स्ट के थ्रू। जैसे कि देखिए मैंने जब फाइल को, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं, एक सेकंड, जब हम लोग कंप्यूटर खोले तो ये जो खुला मेरा विंडोज़ का डेस्कटॉप जो खुला, तो ये जो डेस्कटॉप खुला हुआ है ये डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर यूज़र के अंदर यूज़र का नेम के अंदर जो जिस नाम का यूज़र है वो जब हम लॉग स्टार्ट विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं तो लॉगिन करते हैं तो वहाँ दिखाता हुआ कि जैसे कि आपका कंप्यूटर का नाम है दिस PC, तो दिस PC के अंदर एक यूज़र है, उसके अंदर आपका डेस्कटॉप है, एक फोल्डर होता है, वही फोल्डर आपको डेस्कटॉप फोल्डर खुल जाता है विंडोज़ में। सेम फोल्डर यहाँ भी है, देखिए कि सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र है और उस यूज़र का नाम क्या है शुभम सिन्हा, ठीक है। और उसके अंदर जो डॉस खुद यूज़र है वो यूज़र खुला हुआ है, यानी कि उसका उसका ही काम यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर हमको इस फोल्डर से बाहर जाना है तो इस फोल्डर से हमको बाहर भी जा सकते हैं। तो देखिए आप दिखाते हैं, ये आपका
विंडोज़ का इंटरफेस और ये आपका डॉस का इंटरफेस। जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र दिया हुआ है, ठीक है। स्लैश का मतलब होता है कि सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर शुभम सिन्हा नाम का एक फोल्डर है, यूज़र भी एक फोल्डर है और सी जो है वो ड्राइव है। ड्राइव को डिनोट करने के लिए ये रेशियो का साइन दिया जाता है। तो सी ड्राइव के अंदर यूज़र, यूज़र के अंदर शुभम सिन्हा नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सी ड्राइव के अंदर क्या है। सी ड्राइव के अंदर देखिए यूज़र नाम का फोल्डर है, दिख रहा है सी, उसके अंदर देखिए फोल्डर है क्या, शुभम सिन्हा जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ का। तो इस कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए वो यहाँ पर दिखा रहा होगा सी ड्राइव के अंदर यूज़र, यूज़र के अंदर शुभम सिन्हा का फोल्डर। तो यही वाला फोल्डर वहाँ पे डॉस में खुला हुआ है। अब देखिए डॉस विंडोज़ के अंदर मैंने बताया था ना कि आपको यूज़र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप मिल जाएगा, देखिए डेस्कटॉप है ना। हम जब डेस्कटॉप में जाते हैं तो ये मेरा डेस्कटॉप का फाइल फोल्डर है, ठीक है। एक्चुअली ये डेस्कटॉप है। अब हम यहाँ पे हम जाके डेस्कटॉप हम जा सकते हैं, लेकिन हम डेस्कटॉप अभी नहीं जाएंगे। हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है। किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए या फिर उससे बाहर निकलने के लिए एक कमांड होता है जिसका नाम है सी डी, सी डी। देखिए सी डी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, मीन्स डायरेक्टरी को चेंज करना है। जैसे अभी हम शुभम सिन्हा नाम का डायरेक्टरी के अंदर है, अभी हमको शुभम सिन्हा नाम का डायरेक्टरी से बाहर निकलना है। तो विंडोज़ में हम लोग क्या करते हैं फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, ये बैकस्लैश बैकवर्ड एरो का साइन में क्लिक करते हैं तो हम बैक हो जाते हैं, या फिर बैकवर्ड बटन फिर प्रेस करेंगे उससे भी हम बैक हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है, सी डी लिखा जाता है, सी डी और डबल डॉट लिखा जाता है। डबल डॉट का मतलब होता है कि करेंट डायरेक्टरी से बाहर निकल जाते हैं। इंटर किए देखिए, तो हम करेंट डायरेक्टरी से बाहर निकल कहाँ चले गए, करेंट डायरेक्टरी ये था उसका पेरेंट कौन था, यूज़र। तो हम यूज़र में पहुंच गए, देखिए यहाँ पे बैक किए तो हम कहाँ पहुंच गए, यूज़र के अंदर है ना। अब हमको यूज़र से बाहर निकलना है तो एक बार और बैक करेंगे, तो देखिए कहाँ पहुंच गए, सी ड्राइव के अंदर। वैसे ही हमको यूज़र से बाहर निकलना है तो डॉस में क्या करेंगे, सी डी लिखेंगे डबल डॉट, मतलब कि हम यूज़र से बाहर निकल गए। फिर हमको यूज़र के अंदर जाना है, तो जाना है तो फिर वही करेंगे सी डी, और डबल डॉट का मतलब होता है कि फोल्डर से बाहर आना, और फोल्डर के अंदर जाना है तो उस फोल्डर का नाम डालना पड़ेगा जिस फोल्डर के अंदर जाना है, यूज़र। देखिए आ गया। अगर हम यू, जैसे यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ यूज़र्स है, और अगर हम यूज़र लिख देते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, बोलेगा कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम का कोई फाइल फोल्डर नहीं है। आपको दिखा देते हैं सी डी डबल डॉट, पहले हम यूज़र से बाहर निकल गए, फिर हम किए सी डी यूज़र। देखिए बोल द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ये जो आप स्पेसिफाइड दिए हैं, जो पाथ जो दिए हैं कि सी डी यूज़र, यूज़र नाम का फोल्डर जिस पाथ को डिफाइन कर रहे हैं वो पाथ एक्चुअली में है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज़र्स लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, यूज़र्स के अंदर चला गया, यानी कि फोल्डर है जो एग्जिस्ट होता है वही फोल्डर के अंदर हम जा सकते हैं डॉस के थ्रू, ठीक है। और फिर हमको बाहर निकालना है तो सी डी डबल डॉट, ठीक है। फिर से हमको जाना है शुभम सिन्हा के अंदर, तो पहले लिखेंगे सी डी, फिर लिखेंगे यूज़र्स, तो यूज़र्स के अंदर पहुँच गया, फिर लिखेंगे सी डी और फिर शुभम सिन्हा, तो हम शुभम सिन्हा के अंदर पहुंच गए। देखिए यहाँ पे हमको उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए दो बार टाइप करना पड़ा सीडी सीडी, हम चाहते हैं उसको एक बार में वहाँ पहुंच जाए। जैसे कि अभी हम यहाँ दिखाते हैं, अभी हम सी ड्राइव में हैं, विंडोज़ में हमको जाना है शुभम सिन्हा के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से एक बार में पहुँच जाए। हमको विंडोज़ में पहले यूज़र को खोलना ही पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। जबकि ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है डॉस में, जैसे हम फोल्डर से पूरा बाहर आ गए, ठीक है, बाहर आ गए दोनों से, हमको एक बार में जाना है सीडी के अंदर जो यूज़ शुभम सिन्हा के अंदर है ना, तो सीडी लिखें, उसके बाद किसके अंदर जाना है तो यूज़र्स, उसके बाद फिर स्लैश दे देंगे के अंदर शुभम सिन्हा नाम का फोल्डर उसके अंदर जाना है। देखिए पहुंच गए। तो डॉस में वो चीज़ पॉसिबल है जो विंडोज़ में नहीं था। जैसे कि यहाँ पर हम एक बार में बाहर तो आ सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो सी ड्राइव से बाहर, सिमे से बाहर आ गए, लेकिन वापस से उसके अंदर नहीं जा सकते। वापस से जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा फोल्डर है, तो भी हमको पहले यूज़र्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। यूज़र्स के अंदर जाने के बाद फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो दो स्टेप हो ही गया। जबकि ये चीज़ पॉसिबल है डॉस में कि एक बार में फोल्डर में जा भी सकते हैं और एक बार में बाहर भी आ सकते हैं। जैसे कि बाहर में विंडोज़ में आने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दिए ड्राइव में, तो आप बाहर आ गए। तो आप देखिए यहाँ बाहर कैसे आते हैं, जैसे हम मैंने बताया कि सी डी डबल डॉट से एक एक फोल्डर करके बाहर आते हैं, तो हम डबल डॉट के जगह में अगर हम बैकवर्ड स्लैश का यूज़ कर देते हैं तो ये आपको डायरेक्ट ड्राइव मिल जाएगा, सारा फोल्डर से बैक कर देगा। देखिए
ये क्या किया आपको डायरेक्ट फोल्डर से बाहर निकाल दिया, मतलब कि सी ड्राइव में लेते आया, शुभम सिन्हा से ये बाहर निकाल दिया और फिर यूजर से ये बाहर निकाल दिया। और अगर जाना है उसके अंदर तो फिर से लिखना पड़ेगा सीडी यूजर्स के अंदर एक शुभम, देखिए मैंने शुभम से लिखा सिन्हा नहीं लिखा, तो देखिए क्या क्या बोलेगा यूजर डॉस कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, जो आपने पाथ दिया है वो फाइंड नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में शुभम नाम का फोल्डर था ही नहीं यूजर्स के अंदर, शुभम सिन्हा नाम का फोल्डर था इसलिए वो नहीं जा पाया। ठीक है, फिर से फोल्डर को के बाहर से बाहर निकालना है तो सीडी और बैकवर्ड स्लैश ये किए तो आप पूरे फोल्डर से बाहर निकल सकते हैं, देखिए पूरा फोल्डर से बाहर आ गया। ठीक है, अब देखिए डॉस में जैसे कि यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से बंद कर देते हैं तो यह पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पूरा सामने से हट जाता है। अब हमको यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा कमांड मैं लिख दिया तो कमांड को पूरा क्लियर करना है तो CLS से कर देते हैं, CLS ठीक है, CLS क्लियर स्क्रीन, इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। इसे क्या होता है कि जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ कमांड है वो सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, सीडी डबल डॉट इसका यूज क्या होता है फोल्डर के से बाहर निकलने के लिए, वन बाय वन सीडी बैकवर्ड स्लैश फोल्डर से बाहर निकलने के लिए एट ए टाइम, एक बार में सारा फोल्डर को बैक करने के लिए सीडी, उसके बाद किसी का भी नाम, मतलब कि फोल्डर का नाम, फोल्डर नेम डालेंगे, ये क्या करता है फोल्डर के अंदर ले जाता है। ठीक है, तो मैं तीन कमांड आपको सिखाया, एक्चुअली वो तीन कमांड नहीं है, मैंने आपको सीडी सिखाया, सीडी का यूज़ कि सीडी का यूज़ तीन तरह से होता है, फोल्डर से बाहर, फोल्डर के अंदर जाने के लिए, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए, या फिर फोल्डर से एक बार में बाहर निकलने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं फोल्डर को खोलने के लिए क्या किया जाता है। जैसे कि हम शुभम सिन्हा के अंदर फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम सी ड्राइव के अंदर है, यहाँ पे हम सी ड्राइव के अंदर है, तो यहाँ पे हम जब सी ड्राइव को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जितना भी फोल्डर पहले से रखा हुआ है वो हमको एक बार में दिख जाता है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हम सी ड्राइव के अंदर तो यहाँ भी है लेकिन हमको फोल्डर दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखने का भी कमांड है। फोल्डर को अगर देखना चाहते हैं तो फाइल फोल्डर को अगर देखना है तो उसके लिए कमांड है डायरेक्टरीज, जिसको शॉर्ट में DIR लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है DIR, इसका मतलब होता है डायरेक्टरी को दिखाइए, मतलब सी ड्राइव के अंदर जब हम DIR जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि सी ड्राइव के अंदर क्या क्या डायरेक्टरीज और फाइल्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई फाइल होता तो यहाँ फाइल भी दिखाता, लेकिन यहाँ पे क्या है सारा का सारा में क्या दिखा रहा है DIR सारा का सारा DIR है, मतलब ये सारा जो है वो डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है। जैसे देखिए यूजर्स नाम का भी फोल्डर था अभी दिखे थे, फिर देखिए टर्बो C3 नाम का फोल्डर है, ठीक है, टैंप नाम का फोल्डर है, प्रोग्राम फाइल नाम का फोल्डर है, ऑटोडेस्क नाम का फोल्डर है, तो ये सब फोल्डर है सी ड्राइव के अंदर। तो अब हमको सी ड्राइव से फिर यूजर्स के अंदर जाना है, तो एक बार चले गए यूजर्स के अंदर चले गए, ठीक है, फिर फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम देखेंगे कि यूजर्स के अंदर कौन कौन सा फोल्डर है, तो DIR किए इंटर किए, तो देखिए अभी जब हम यहाँ पे यूजर के अंदर गए तो यहाँ पे यूजर के अंदर दिखाया तो हमको तीनों फोल्डर दिखा दिया ना, जबकि यहाँ पे फोल्डर को देखने के लिए DIR किए तब दिखाया कि पब्लिक नाम का फोल्डर है, एक शुभम सिन्हा नाम का फोल्डर है और एक यूजर 2 नाम का फोल्डर है, तीन फोल्डर है। अब हमको इसमें से जाना है पब्लिक के अंदर, तो CD किए और पब्लिक के अंदर किए, देखिए पब्लिक के अंदर चला गया, देखिए यहाँ पे भी जाना है पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर चले गए, तो पब्लिक के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ मेरे पास इतना सारा फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ये नहीं दिखा पा रहा है, डॉस नहीं दिखा रहा है। डॉस को दिखाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डायरेक्टरी को शो कीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्टरी शो करने लगा कि देखिए ये एक डायरेक्टरी है। एक्चुअली देखिए फोल्डर के अंदर जो डॉट और डबल डॉट ये दो डायरेक्टरी जो होता है वो पहले से एग्जिस्ट होता है, जब आप न्यू फोल्डर बनाएंगे तब भी ये रहेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम से ऑटो जनरेट होता है, ये आपको शो नहीं करता, वो सिस्टम का फोल्डर है। ठीक है, एक्चुअली जो फोल्डर होता है उसके बाद जो है वही सब में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है डॉक्यूमेंट, डाउनलोड नाम का फोल्डर है, डाउनलोड नाम का फोल्डर यहाँ भी है, म्यूजिक नाम का फोल्डर यहाँ भी है। ठीक है, एक्चुअली देखिए यहाँ पे सब क्या आगे पब्लिक 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 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक नाम का यूजर है उसके अंदर है, तो कौन कौन सा फोल्डर है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, वीडियोज है, और ये एक एंटी यूजर डॉट डैट नाम का एक फाइल है जो कि सिस्टम फाइल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एंटी यूजर्स डॉट डैट नाम का एक फाइल 8KB का फाइल है। ठीक है, और फोल्डर से बाहर आना है तो CD बैकवर्ड स्लैश, एक बार में आप पूरा C ड्राइव में पहुँच गया,
यहाँ पे बाहर जाना है तो एक बार में सी ड्राइव में क्लिक कर दिया। तो सेम टू सेम जैसे हम विंडोज में वर्क कर रहे हैं, सेम टू सेम हम लोग डॉस में भी वर्क करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग करते हैं कोड के थ्रू, कोडिंग के थ्रू करते हैं यहाँ पे, और विंडोज में जो काम करते हैं वो ग्राफिकल इंटरफेस में करते हैं। तो एक बार हम इसको डॉस को क्लियर कर लेते हैं, लिख के CLS लिख के क्लियर कर लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, CD पढ़े, CD डॉट डॉट पढ़े और CD बैकवर्ड स्लैश पढ़े, ठीक है, और क्या पढ़े, DIR पढ़े, ठीक है। तो अब देखिए DIR में भी बहुत सारा कंडीशंस होते हैं, जैसे हम ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम यूजर के अंदर गए, नहीं गए विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ के अंदर गए, देखिए बहुत लंबा लिस्ट खुल गया, बहुत सारा लंबा खुल गया, तो इस लिस्ट को हम चाहते हैं कि पेज बाय पेज दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे कि हम यहाँ पे किए, तो जैसे हम DIR किए तो बहुत लंबा लिस्ट खोल दिया, नहीं सॉरी हमको पहले विंडोज़ के अंदर जाना पड़ेगा ना, तो मैंने CD किया विंडोज़, ठीक है, और विंडोज़ के अंदर जाने के बाद मैंने DIR किया तो बहुत लंबा लिस्ट खुल गया, हम ऊपर का लिस्ट को पढ़ नहीं पाए, तो हम चाहते हैं इसको पेज बाय पेज दिखाया, एक पेज जब फिनिश हो तब हमसे दूसरा की प्रेस करने के लिए बोले, उसके बाद फिर दूसरा पेज खोले, ठीक है। तो उसके लिए जो भी हम लोग एक्स्ट्रा कोड डालते हैं उसको बुलाता है उसका एट्रीब्यूट बुलाता है, ठीक है। DIR किए और स्लैश देखे P किए, स्लैश P उसका एक एट्रीब्यूट है जो कि पेज बाय पेज डिस्प्ले करता है। देखिए एक पेज जब डिस्प्ले खत्म हो गया, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और जैसे उसका एक पेज खत्म हुआ, वो क्या आपसे पूछ रहा था, एक पेज जैसे वो खत्म हुआ क्या बोल रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, दूसरा पेज देखने के लिए कोई भी बटन को प्रेस कीजिए, जैसे हम इंटर किए इंटर, फिर दूसरा पेज दिखाया, फिर बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर तीसरा पेज दिखाया, फिर बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, देखिए। तो ये टोटल 3 पेज से ज्यादा था जो कि यहाँ विंडोज में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो ये DIR के बाद जब हम स्लैश P लगाते हैं तो ये पेज बाय पेज दिखाने का काम करता है, ठीक है। ये न्यू कमांड CLS कर दिए। नेक्स्ट कमांड आता है हम लोग का फोल्डर बनाने का, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए फोल्डर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम गए अपने पेन ड्राइव के अंदर चले गए, ठीक है। अब हम लोग जो फोल्डर बनाने का काम करेंगे वो पेन ड्राइव में करेंगे, पेन ड्राइव आप लगा हुआ यहाँ पे इसलिए आपको दिखा रहा है पेन ड्राइव, ये रिमूवेबल ड्राइव है, एक्चुअली मेरा कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो इतना ही है, ठीक है। ये जो ड्राइव आपको दिख रहा है ये रिमूवेबल ड्राइव है 16 GB का, तो इसका नाम है पेन ड्राइव, ठीक है। अब हम इसमें वर्क करेंगे, जैसे हम यहाँ पे गए, पहले हम फोल्डर से बाहर आ जाते हैं विंडोज से, अब हमको उस पेन ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा, तब एक्चुअली अभी हम कहाँ पे हैं, सी ड्राइव के अंदर, हम जो वर्क कर रहे हैं वो सी ड्राइव के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सी ड्राइव लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो जी ड्राइव में दिखा रहा है, ठीक है। देखिए तो हमको पहले जी ड्राइव में जाना पड़ेगा, तो ड्राइव में जाने के लिए हम लोग CD नहीं लिखते हैं, फोल्डर के अंदर जाने के लिए या फिर फोल्डर से बाहर आने के लिए हम लोग CD यूज़ करते हैं, पर ड्राइव के अंदर जाने के लिए हम लोग उस ड्राइव का सीधा नाम डाल देते हैं डायरेक्टली, जैसे जी ड्राइव, जी डाल के नहीं करेंगे इंटर, जी के बाद ड्राइव का साइन डालना पड़ेगा, इसका मतलब वो समझेगा कि विंडोज आपका समझ, डॉस जो आपका समझ जाएगा कि वो ड्राइव का नाम है। तो जैसे हम इंटर करेंगे और वो ड्राइव अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उस ड्राइव के अंदर आपको ले जाएगा, देखिए ड्राइव के अंदर चला गया क्योंकि वो ड्राइव था। जैसे कि जब हम यहाँ से पेन ड्राइव को निकाल देते हैं, जैसे हम वापस से चले गए सी ड्राइव के अंदर चले गए, देखिए हम यहाँ पे पेन ड्राइव को निकाल रहे हैं, जैसे मैंने पेन ड्राइव को निकाला तो वो ड्राइव चला गया, ठीक है। अब हम फिर डॉस में गए और यहाँ पे किए कि जी ड्राइव के अंदर वापस जाइए, तो बोल रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड, या आप जो ड्राइव लिखे हैं वो ड्राइव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमको वो ड्राइव को फिर से एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। देखिए वो ड्राइव एग्जिस्ट हो गया, अब हम दोबारा सेम पाथ लिखेंगे जी ड्राइव, तो वो ड्राइव के अंदर चला जाएगा। अब हम अपने पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपको फाइल को डिलीट करना हो, फाइल कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, डिलीट
इरेज करना हो, फॉर्मेट करना हो, जो भी करना कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पेन ड्राइव करप्टेड है तो करप्टेड पेन ड्राइव को आप यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। तो आप मेरे इसी चैनल को आगे देखते रहिए, दिखा रहे हैं आपको। अब हम देख सीखेंगे क्या चीज कि पेन ड्राइव के अंदर फोल्डर कैसे बनाए, या फिर फोल्डर के अंदर कैसे जाए, फोल्डर को डिलीट कैसे करें, फोल्डर को रीनेम कैसे करें, वो सब चीज़ सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फोल्डर पेन ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, जी ड्राइव, और यहाँ पे जी ड्राइव, यानी कि अभी जो हम वर्क कर रहे हैं वो पेन ड्राइव के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो पेन ड्राइव के अंदर वर्क करना है तो देखिए पेन ड्राइव के अंदर, तो यहाँ पे अगर हमको फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के लिए आपको पता होगा कि राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, न्यू में जाने के बाद यहाँ फोल्डर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे फोल्डर बना दिए, फोल्डर बन गया, ठीक है। हम फोल्डर को भी फिलहाल डिलीट कर दे रहे हैं, ये तो बस ट्रायल था। अब हम फोल्डर बनाएंगे लेकिन डॉस के थ्रू बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या, फोल्डर को यहाँ पे जो है डॉस में डायरेक्टरी बोला जाता है, बताया था मैंने अभी कि डायरेक्टरी बोला जाता है फोल्डर को और फाइल को फाइल। तो डायरेक्टरी को यहाँ बनाना है, तो डायरेक्टरी को बनाना है तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है एम के डी आई आर, इसका मतलब होता है कि मेक डायरेक्टरी, फोल्डर को बनाना, ठीक है। इसको शॉर्ट में कर दिया गया MD, ठीक है। MD मीन्स मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाना है। उसके बाद किस डायरेक्टरी को बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है जिसका नाम डालना है वो नाम डाल देंगे, जैसे हमको बनाना है सॉन्ग नाम का फोल्डर को, इंटर। देखिए सॉन्ग नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक आपको बनता हुआ दिख गया। एक और फोल्डर बनाना है, MD दिए, यहाँ बना दिए वीडियो, वीडियो नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। MD दिए ए नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया। तो MD क्या करता है, डायरेक्टरी को बनाने काम करता है, फोल्डर को बनाने काम करता है। एक बार हमको बहुत सारा फोल्डर बनाना है, जैसे बनाना है फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, तीन फोल्डर बनाना था। देखिए तीन फोल्डर बन गया, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, ठीक है। हम यहाँ से सारा फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया, यानी कि फोल्डर डिलीट हो चुका है। हमको देखना है कि पेन ड्राइव में है कि नहीं है, बचा कि नहीं है वो फाइल फोल्डर, तो DIR किए और इंटर किए। देखिए बता रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी जो मैंने यहाँ फोल्डर बनाया था सॉन्ग वीडियो ए फोल्डर, ये सब हट चुका है। फिर से बनाते हैं फोल्डर, MD किए दिए फोल्डर, एक फोल्डर बना दिए MP3, एक फोल्डर बना दिए वीडियो, ठीक है दो फोल्डर बन गया। अब हम यहाँ पे DIR किए तो हमको फोल्डर दिखा देगा कि दो फोल्डर एग्जिस्ट करता है, MP3 और वीडियो नाम का फोल्डर। फोल्डर के अंदर जाना है किसी के अंदर, जैसे किसके अंदर जाना है, हमको जाना है MP3 के अंदर। तो MP3 के अंदर अंदर जाने के लिए कमांड क्या है, CD, फिर क्या किए MP3 लिखे और इंटर किए। तो हम फोल्डर कहाँ चले गए, अब हम फोल्डर के अंदर जाके फिर से तीन फाइल बना देते हैं, तीन फोल्डर बना देते हैं। एक फोल्डर का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है, तीसरा का नाम सी है। स्पेस देने से क्या होता है, वो समझता है डॉस कि आप फोल्डर का नाम को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब आप तीन फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंटर किए, तीन फोल्डर बन चुका है। आपको दिखाना है, यहाँ जाइए इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक कीजिए, देखिए तीन फोल्डर बनता हुआ दिख गया आपको, टाइमिंग भी दिख रहा होगा। अब देखिए वीडियोज़ के अंदर गए तो वीडियो खाली है, वीडियो फोल्डर जो है वो एम्प्टी है, दिखा रहा है। तो वीडियो के अंदर हम जाते हैं बनाना चाहते हैं फोल्डर, तो यहाँ से जाएंगे हम वीडियो के अंदर जाके भी फोल्डर बना सकते हैं और वीडियो के अंदर बिना जाए भी बना सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या, देखिए अगर हम चाहते हैं कि MP3 फोल्डर के अंदर रह के वीडियोज़ फोल्डर के अंदर फोल्डर फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कमांड डालना है MD और क्या बनाना है, फोल्डर का नाम डाल दीजिए, जैसे बना दिए ABCD, ABCD नाम से फोल्डर बना दिया, ठीक है। लेकिन फोल्डर ये अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटर कर देंगे तो वो MD जो है वो MP3 के अंदर फोल्डर बना देगा, जबकि हमको बताना है कि वीडियो के अंदर बनाना है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा कि जी ड्राइव के अंदर एक वीडियो नाम का फोल्डर है,
वीडियो नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमको ABCD नाम से फोल्डर बनाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो जी ड्राइव के अंदर वीडियो के अंदर ABCD नाम का एक फोल्डर बना देगा। बन गया, फोल्डर से के अंदर जाए बिना, जबकि ये चीज़ विंडोज़ में पॉसिबल नहीं है। हम अगर हम जी ड्राइव के अंदर रहते हैं तो हम चाहते हैं इसके अंदर फोल्डर बना दें, तो यहाँ पर डायरेक्ट फोल्डर बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। देख लीजिए, अगर हम पेन ड्राइव के भी के अंदर भी नहीं, हम इस ड्राइव में एफ ड्राइव में, और एफ ड्राइव में रह के भी हम पेन ड्राइव के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। तो यही कुछ कुछ टास्क ऐसा है जो कि डॉस परफॉर्म कर सकता है जबकि विंडोज नहीं कर सकता, इसलिए हम उस टाइम क्या करते हैं, कभी कभी डॉस का यूज़ बहुत ही इसेंशियल बन जाता है। और आप उसका, अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप उसका यूज़ करके आप अपने कंपनी में, आप अपने वर्क, जहाँ भी आप वर्क करते हैं वहाँ पे आप एक स्मार्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं इतना ही बता रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे बताऊँगा। अभी एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ सीखा। सबसे पहला कमांड हमने सीखा CD CD double dot और CD backward slash, तीनों का काम है फोल्डर के अंदर जाना या फिर बाहर ले जाना। नेक्स्ट सीखा DIR, फोल्डर को ओपन करना। नेक्स्ट सीखा DIR/P, फोल्डर को ओपन करना पर पेज बाय पेज। नेक्स्ट सीखा मैंने MD, फोल्डर को बनाना। ठीक है, फोल्डर में का बनाना लेकिन किसी के बाहर से बनाना है, तो फोल्डर को उसका पाथ डाल के फोल्डर को बनाना। तो ये सारा कमांड मैंने सीखा, फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर जाना, फोल्डर को डिलीट। तो अभी हम यहाँ से नहीं सीखे हैं, डिलीट भी सिखा देंगे कल। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो कल आपको अपलोड करूँगा इसके आगे का टॉपिक सिखाने के लिए। थैंक यू।